नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस में आज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। बता दें कि सुशांत की मौत को 2 महीने का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक इस मामले की जांच कौन करेगा, इसी पर पेच फंसा हुआ है, जिसकी वजह से सुशांत के सुसाइड की वजह का पता नहीं चल पाया। आज सुशांत केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट अहम फैसला सुनाएगा, जिसके बाद ये केस मुंबई पुलिस को जाएगा या सीबीआई को, इस पर फैसला होगा। आज सुबह 11 बजे सुप्रीम कोर्ट रिया चक्रवर्ती की याचिका पर फैसला सुनाएगा। जस्टिस ऋषिकेश राय की एकलपीठ आज फैसला सुनाएगी। रिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी कि बिहार में उनके खिलाफ दर्ज केस को मुंबई में ट्रांसफर किया जाए। रिया के खिलाफ सुशांत के पिता ने पटना के राजीव नगर थाने में केस दर्ज कराया था। के सिंह का आरोप है कि रिया ने सुशांत को सुसाइड के लिए उकसाया था। सुशांत के पिता की शिकायत के बाद ईडी और सीबीआई मामले की जांच में जुटी है। ईडी और सीबीआई केस से जुड़े कई लोगों से पूछताछ कर चुकी है। सुशांत केस को लेकर देश भर के लोग, फिल्मी टीवी सितारे सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। सुशांत का परिवार और उनके करीबी लोग इस केस की निष्पक्षता की जांच के लिए सीबीआई जांच चाहते हैं। सुशांत केस में सुप्रीम कोर्ट ने पिछले मंगलवार को रिया चक्रवर्ती की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने बिहार सरकार की तरफ से एएम सिंघवी, महाराष्ट्र सरकार श्याम दीवान रिया की तरफ से और विकास सिंह सुशांत सिंह के परिवार का पक्ष रखा था। सभी पक्षों ने अपनी तरफ से सुप्रीम कोर्ट को लिखित जवाब सौंपे थे, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।